अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक मिसाल से शुरू करूँगा और वो मिसाल थोड़ी सी अजीब ज़रूर है, लेकिन उसको बयान करने का मकसद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को वाजह तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है, उस वक़्त से लेकर कुछ सालों तक, कुछ अरसे तक उस बच्चे को अपनी मैच्योरेशन पर काबू, कंट्रोल नहीं होता। और अगर सादा अल्फाज में बोलूँ तो वो पेशाब करने पर उसका इख्तियार नहीं होता, वो उसको काबू नहीं कर पाता। जब भी उसको फील होता है तो उस पर काबू नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर मसल ज़रूर मौजूद हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उन मसल्स को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनको ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। और वो स्ट्रांग प्रैक्टिस से आएगा। वो जिस भी हालत, जिधर भी अगर मौजूद होता है और उसको फील होता है तो वहाँ पर वो कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स वीक हैं। उनको मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए उसके पेरेंट्स उस पर तवज्जो देते हैं, वो खुद भी कोशिश करता है कंट्रोल करने की, उसके पेरेंट्स उसको सख्ती से, नरमी से, प्यार से, हर तरीके से उसको समझाते हैं। और फिर कुछ अरसे बाद जाकर, कुछ सालों बाद जाकर उसको उसको अपने मैच्योरेशन पर काबू हासिल हो जाता है, और वो फिर अपनी इख्तियार को, यानी अपनी उस बी इख्तियारी को इख्तियार में बदल देता है, अपने इख्तियार में ले आता है उस चीज़ को। इस मिसाल को बयान करने का मकसद ये है कि हर इंसान के मिजाज में गुस्सा ज़रूर मौजूद है, लेकिन उस गुस्से को काबू पाने के लिए कुछ मसल्स हैं मिजाज के, उन मसल्स को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। और वो कैसे स्ट्रांग होंगे? प्रैक्टिस से। जहाँ भी, जिस भी हालत में अगर आपको गुस्सा आया है तो आप उसको काबू करने की कोशिश करें। आज शायद कोशिश करें गुस्सा कंट्रोल ना हो, कल कोशिश करें ना हो, कुछ साल लगेंगे मिजाज के अंदर। कोई अगर शख्स ये कहता है कि मैं गुस्सा आया और मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस भी हालत में होता हूँ और मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो उसको कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसको अपने गुस्से के ऊपर काबू करने की ज़रूरत है। क्योंकि गुस्सा अगर जब भी आता है तो वो मिजाज की गाड़ी के ऊपर सवार हो जाता है और आपके एक्शंस को अपने कंट्रोल के अंदर ले लेता है, और आप बाद में शर्मसार होते हैं। तो इस वजह से आपको उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो कि गुस्से को काबू में रखते हैं। शुक्रिया। दिए भला नहीं हो चुप दे दिला दे प्यारे हो, दिए भला नहीं।